भारी बारिश के बाद इंदिरा सागर व ओमकारेश्वर बांध के गेट खोलना पड़े। बाढ़ का पानी मोटक्का पुल के ऊपर से गुजरने की वजह से वहां से यातायात बंद कर दिया गया। चार दिन बाद पानी तो उतर गया, लेकिन देखिए ब्रिज के क्या हाल हुए। नर्मदा का पानी उतरने के बाद ब्रिज की जो तस्वीर नज़र आई वो बेहद चिंताजनक है। जगह जगह से रेलिंग पानी के साथ बह गई है, वहीं अनेक स्थानों पर डामर भी उखड़ गया है। बुधवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एमपीआरडीसी की संयुक्त टीम ने पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम की जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि ब्रिज की क्या स्थिति है और आवागमन कब से सुचारू हो सकता है। इसके लिए कम से कम एक सप्ताह का वक्त लग सकता है। फिलहाल के लिए प्रशासन द्वारा इंदौर खंडवा इच्छापुर हाईवे का ट्रैफिक देशगांव होते हुए खरगोन रूट पर डाइवर्ट किया गया है। जब तक यह मार्ग शुरू नहीं होता तब तक इसी मार्ग से आना जाना होगा। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।